फिर से जो है बारकोड जनरेट हो गया है, इसको हम साइज में कर लेते हैं। अब जब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी चेंज करूंगा, आप देखोगे ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर बारकोड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है, हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की नई क्लास में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक्सेल में बार कोड कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाला हूँ। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है कि सर हमें बताइए कि एक्सेल में बार कोड कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि एक्सेल में बार कोड कैसे बनाते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, एक्सेल में बार कोड बनाना बहुत ज्यादा आसान है, केवल आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है और इसके बाद जो है आप खुद से जो है एक्सेल में बार कोड बनाना सीख जाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ छोटा सा डेटा लिखा है जिसमें मैंने जो है प्रोडक्ट का नाम लिखा है, प्रोडक्ट की आईडी लिखी है और यहाँ पर हम लोग जो है प्रोडक्ट की आईडी के बेस पर बार कोड जो है जनरेट करने वाले हैं। अब बार कोड बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसी को बस कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दीजिए। ये छोटा सा काम आपको करना है। इसके बाद जो है सभी को सेलेक्ट कर लेना है। इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो फॉन्ट का बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको एक फॉन्ट मिलेगा बारकोड वाला। ये देखिए, ये वाला फॉन्ट है, इस फॉन्ट का नाम है CIA कोड 39 मीडियम। ये फॉन्ट को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे बारकोड जो है यहाँ पर जनरेट हो गया है। इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए जो है, जो भी हमने प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर लिखी थी वही प्रोडक्ट आईडी से यहाँ पर बार कोड हमने बना दिया है। ये तो बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी चेंज करते हो तो ये बार कोड चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आईडी दूसरा कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने जो है ये प्रोडक्ट आईडी में रख लेता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो है प्रोडक्ट आईडी बदलने के बाद जो है बार कोड बदला नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक का और इस्तेमाल करेंगे कि जब भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को बदलें बार कोड भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। फिर से एक बार कंट्रोल जेड करके जैसा हमारा पहले डेटा था उसको कर लेंगे। ठीक है, इसको भी मैं जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान। बराबर का निशान लगाने के बाद डबल कोटेशन को ऑन करना है और इसके अंदर आपको स्टार का सिंबल लगा देना है। फिर से डबल कोटेशन को यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाना है और इसके बाद आपको जो है एंड का सिंबल लगाना है। जैसे ही आप जो है एंड का सिंबल लगाओगे, इसके बाद जो है आपको ये प्रोडक्ट आईडी जो है सेलेक्ट कर लेनी है, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसके बाद दोबारा से आपको जो है एंड का सिंबल लगाना है, फिर दोबारा से डबल कोड को ओपन करना है, फिर दोबारा से जो है स्टार का बटन दबा देना है, फिर दोबारा से डबल कोटेशन को यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। फिर से आप इस फार्मूले को एक बार समझ लीजिए कि डबल कॉमा को इनेबल करना है, स्टार लगाना है, फिर से डबल कॉमा लगाना है, फिर एंड लगाना है। ये जो B2 सेल है वो मैंने ये वाला सेल को सिलेक्ट किया है, आपको भी यही काम कर लेना है। इसके बाद फिर से एंड का सिंबल लगाना है, फिर से जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। यही आपको काम करना है, ये आप देख लीजिए। एंटर की को प्रेस करना है तो आप देखोगे इसके आगे और पीछे जो है स्टार बन गया है। अब इसको आप आराम से जो है इस तरीके से ड्रैग करके खींच दीजिए। जो भी ये प्रोडक्ट आईडी हमने लिखी थी उसी के बेस पर जो है यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा सभी में। ठीक है, अब इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद अब जब आप फॉन्ट यहाँ से जो है सेलेक्ट करोगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉन्ट जो है नीचे की साइड में आपको मिलेगा, देखिए ये है, इसको जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से जो है बारकोड जनरेट हो गया है, इसको हम साइज में कर लेते हैं। अब जब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी चेंज करूंगा, आप देखोगे ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर बारकोड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है इस बार इस तरह से एक प्रोडक्ट आईडी बना लेता हूँ और मैं जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर जो है बारकोड जो है चेंज हो गया। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट आईडी से बारकोड बना है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस तरीके से आप बारकोड को जनरेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैंने आपको फॉन्ट बताया है CIA कोड 39 मीडियम, ये जो बारकोड जनरेट वाला फॉन्ट है ये आपको जो है आपके एक्सेल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट जो है फॉन्ट इंस्टॉल होकर के नहीं आता है, इसे आपको अलग से इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए अब जो है हम जान लेते हैं कि इसे आप
अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ये जो बारकोड जनरेट वाला CIA कोड 39 मीडियम का जो फॉन्ट है इसे आप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या फिर अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपको गूगल ओपन कर लेना है। कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसके अंदर गूगल ओपन कर लीजिए और इसके अंदर आपको लिखना है DA फॉन्ट। जैसे ही आप जो है DA फॉन्ट लिख करके सर्च करेंगे तो DA फॉन्ट की पहली ये जो वेबसाइट मिलेगी आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ऊपर की ही साइड में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा बारकोड का। आप ये देख सकते हो आपको जो है ये जो बारकोड लिखा हुआ है ना इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखोगे आप आपके सामने जो है काफ़ी सारे बारकोड के फॉन्ट जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इनमें से जो भी बारकोड का फॉन्ट पसंद है उसे आपको जो है सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो मैं डाउनलोड करने वाला हूँ वो ये वाला फॉन्ट जो है डाउनलोड करने वाला हूँ CIA कोड 39। ठीक है, आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और कोई दूसरा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इस फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए एक डाउनलोड का बटन मिलेगा। जो भी फॉन्ट डाउनलोड करोगे उसके सामने जो है डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, आपको जो है डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए ये फॉन्ट जो है डाउनलोड हो गया है, अब आपको क्या काम करना है शो ऑल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, वैसे ये वाला जो फॉन्ट डाउनलोड हुआ है ना वो आपके कंप्यूटर में एक डाउनलोड नाम का फोल्डर होता है उसके अंदर मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या काम करना है शो ऑल पर क्लिक कर देना है। ये जो अभी हमने फॉन्ट डाउनलोड किया है वो यही वाला है, हम क्या काम करेंगे शो इन फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए ये वाला जो है फॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ गया है, अब हमें क्या काम करना है इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑल करके, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए आपसे लोकेशन पूछ रहा है तो आप एक्सट्रैक्ट हेयर पर ही क्लिक कर देंगे एक्सट्रैक्ट पर। इसके बाद जो है ये फॉन्ट एक्सट्रैक्ट होकर के यहाँ पर देखिए आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है इस फोन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का दो तरीका है, पहला तो ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करिए, इस फोन को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा, आप जो है इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो है इंस्टॉलिंग का प्रोसेस चलने लगेगा और ये फोन जो है कुछ ही सेकेंड में इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, ये देखिए कॉपी है, इस पर कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको दिस पीसी में जा करके सी ड्राइव को ओपन करना है और इसके अंदर जो है विंडोज का एक जो है फोल्डर होता है इसको ओपन कर लेना है और इसके अंदर फॉन्ट का एक फोल्डर होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फॉन्ट्स का एक फोल्डर है, आपको जो इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद जो है आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो भी फॉन्ट को आपने कॉपी किया है उसको क्या काम करना है कंट्रोल वी से इसके अंदर पेस्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पहले से ही इंस्टॉल है, यानी कि अभी जो हमने इंस्टॉल किया था ये इंस्टॉल हो चुका है, तो ये स्किप करने के लिए बोल रहा है तो हम इसे स्किप कर देते हैं। इस तरीके से भी जो है आप इस फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हो, बस कॉपी पेस्ट कर दोगे यहाँ पर आने के बाद जो है इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप जो है फॉन्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे इसके बाद जो है आपके एक्सेल में यहाँ पर वो फॉन्ट आ जाएगा और जो तरीका मैंने आपको बताया है वो तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ ही गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सेल में बार कोड को जनरेट कर सकते हो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।